गणेश चतुर्थी से शुरू गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह चरम पर रहा। 10 दिनी विधि विधान से श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना करने के बाद उनकी विदाई का दिन आ गया और मंगलवार यानी अनंत चतुर्दशी का दिन भक्तों ने धूमधाम से बप्पा को विदाई दी। 10 दिनों तक भक्तों की सेवा और पूजा लेने के बाद गणपति बप्पा भक्तों से विदा होकर अपने लोक लौटेंगे। परंपराओं के अनुसार जिन भक्तों ने अपने घर और पांडालों में बप्पा की मूर्ति स्थापित की है, उन्होंने अनंत चतुर्दशी को बप्पा की मूर्ति का विधि विधान से विसर्जन किया। बेटमा में पिछले 10 दिनों से बप्पा की प्रतिमाओं का पूजन अर्चन कर धूमधाम से उत्सव मनाया गया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बाबा की प्रतिमाओं का महाआरती कर मोदक लड्डुओं का भोग अर्पित कर महाआरती की गई। उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक से स्थानों पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मंगलवार को सभी पांडालों द्वारा गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस दौरान नगर के सागर रोड स्थित आवास कॉलोनी के बेटमा का राजा पांडाल से मुख्य यात्रा शुरू हुई, जो अम्बेडकर चौराहा, सोसाइटी रोड, राजबाड़ा स्थित मुख्य मार्गों से ढोल ताशों के साथ भ्रमण करती निकली। सभी भक्तों ने नगर की खुशहाली और अगले बरस फिर आने की मंगल कामनाओं के साथ बप्पा को निमंत्रण दिया। गणेश विसर्जन एवं गुलाल यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रुप ने किया था। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।